माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम देखने जा रहे हैं कन्वर्स बेल्ट सिस्टम के एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उभर कर आपके सामने आता है वो ये है कि विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज इन कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में किस प्रकार का बेल्ट यूज किया जाता है? एनलेस बेल्ट यूज किया जाता है या फिर टेपर्ड बेल्ट या फिर आपका पीवीसी या ऑल ऑफ द अबव? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंडलेस बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मैं टाइप ऑफ बेल्ट ही पूछ रहा हूँ, ना कि मैं किस प्रकार की कोटिंग वाला बेल्ट यूज करूंगा ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इस टाइप के क्वेश्चन जब दोनों ऑप्शन आपके सामने एक जैसे ही होते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे और क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे इस बात का ध्यान रखें। इन विच टाइप ऑफ पुली मोटर इज अटैच टू द कन्वेयर बेल्ट। किस प्रकार की पुली में मोटर जो है तो कन्वेयर बेल्ट में लगा रहता है? टेल एंड पुली, ड्राइविंग पुली, रिटर्न पुली, स्नप पुली। तो आपका ड्राइविंग पुली जो है तो लगा हो में जो है तो मोटर वगैरह लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। निम्न में से कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का हिस्सा कौन नहीं है? आइडलर, चैनल, ड्रम्स, डिटैचिंग हुक। ड्रिवन पुली अलग है, ड्राइविंग पुली अलग है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, एक आपका होता है ड्राइव, या फिर यूं कहें मैं इसको बोल सकता हूं ड्राइविंग। ड्राइविंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को चलाना, ठीक है, ड्राइव करना बेसिकली। ठीक, तो जो चलाएगा वो आपका ड्राइविंग पुली कहलाता है या ड्राइव पुली कहलाता है या फिर हेड पुली या मेन पुली, अलग अलग नाम से आप बुला सकते हो। ठीक है, लेकिन एक होता है ड्रिवन। ठीक है, ड्रिवन, ड्रिवन मतलब जिसको चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसको चलाया जा रहा है, एक हो गया ड्राइव जो चला रहा है, एक हो गया ड्रिवन जिस चीज को, जैसे कि एक बंदा क्या करता है, क्या बोलोगे, कोई भी बंदा कार को ड्राइव कर रहा है ना, ये वर्ड का यूज करता हूं ना मैं, कार को ड्राइव कर रहा है। अ पर्सन ड्राइव्स द कार, ठीक है। दूसरा, अ कार इज ड्रिवन बाय अ पर्सन, द कार इज ड्रिवन। अब देखो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा, बाय द पर्सन, कार को व्यक्ति चला रहा है, ठीक है, कार को व्यक्ति चला रहा है। ठीक, तो कार क्या हो गया, जो जिसको चलाया जा रहा है। तो ड्रिवन आपका कौन सा पुली होता है, रिटर्न पुली, जिसको चलाया जा रहा है रिटर्न पुली हो जाता है, टेल एंड पुली भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और व्यक्ति जो कि कार को चला रहा है, जैसे कि आपका ड्राइव पुली। ठीक है, तो दोनों में मैं ड्राइव और ड्रिवन में डिफरेंस आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूं कि ड्राइव और ड्रिवन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों शब्दों में बड़ा डिफरेंस है और इसी का हेर फेर हो सकता है। ठीक है, अब मैं इंग्लिश उतना नहीं जानता हूं, ग्रामर मेरी कमजोर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सपोर्ट द बेल्ट इन कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में बेल्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, कोल इंडिया ड्रिवन बाय प्रमोद अग्रवाल। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में बेल्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? आइडलर, लूप टेकअप अरेंजमेंट, ड्रम्स, चैनल।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स टेंशन इन द बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में टेंशन प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? मैं पूरे कन्वेयर बेल्ट सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो चैनल, स्नप पुली, ड्रम्स, लूप टेकअप अरेंजमेंट। बहुत से लोग स्नप पुली भी टिक करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैंने यहां पर कहीं पर भी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। स्नप पुली कहां पे? ड्राइव ड्रम में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाता है, ठीक है, या फिर टेंशन प्रोवाइड कराता है। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में टेंशन अलग से नहीं प्रोवाइड कराता, या मतलब पूरे कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के लिए नहीं होता, वो पर्टिकुलरली एक ड्रम के लिए होता है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना स्नप पुली के बारे में। अगला है, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाता है क्या? लूप टेकअप अरेंजमेंट। देखो, इसीलिए मैंने सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें कि आपको दो ऑप्शंस में आप हमेशा कंफ्यूज हो गए, कोशिश यही की है मैंने, शब्दों का खेल है बस, ठीक है? लूप टेकअप अरेंजमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइविंग हेड। ड्राइविंग हेड का निम्न में से कौन सा चीज पार्ट नहीं है? इलेक्ट्रिक मोटर, गियरिंग, टेकअप बेंड पुली, स्नप पुली। ड्राइविंग हेड का पार्ट नहीं है, जो ड्राइव कर रहा है उसका पार्ट नहीं है, तो टेकअप बेंड पुली उसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ड्राइविंग हेड विद द बेल्ट। निम्न में से ड्राइविंग बेल्ट ड्राइविंग हेड में का ड्राइविंग हेड का जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है बेल्ट के साथ बढ़ाने के लिए निम्न में से किस चीज का उपयोग किया जाता है? टेकअप बेंड पुली, इम्पैक्ट आइडलर, स्नप पुली या फिर टेकअप पुली। तो यहाँ पर स्नप पुली का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इट इज यूज टू इंक्रीज टेंशनिंग इन द बेल्ट एंड इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन टेकअप पुली, ठीक है? निम्न इस चीज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बेल्ट में टेंशनिंग करने के लिए और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए टेकअप पुली में। टेकअप पुली में ऐसे किस चीज का उपयोग किया जाता है? ताकि, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। टेकअप पुली में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? ताकि बेल्ट का टेंशनिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि बेल्ट का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाया जा सके, इंपैक्ट आइडलर, स्नप पुली, टेकअप पुली, टेकअप बेंड पुली। जी हाँ, वर्ड का ध्यान दो, टेकअप पुली में पूछ रहा हूं, ना कि ड्राइविंग पुली में, ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपैक्ट आइडलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड एट। इंपैक्ट आइडलर निम्न में से किस जगह पे लगाना जरूरी नहीं है? ओवर शूट के नीचे, ट्रांसफर पॉइंट पर, फीडिंग पॉइंट पर या डिस्चार्ज पॉइंट पर। इंपैक्ट आइडलर कहां पर लगाना जरूरी नहीं है? तो इंपैक्ट आइडलर डिस्चार्ज पॉइंट पर लगाना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डैश प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा बेल्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के एक्सटेंशन के लिए एक्स्ट्रा बेल्ट कौन प्रोवाइड कराता है? टेकअप पुली, स्नप पुली, इंपैक्ट आइडलर, ड्राइव शूट। ये तो हलवा क्वेश्चन है एकदम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ स्नप पुली। निम्न में से स्नप पुली का बेनिफिट क्या नहीं है? डिक्रीजेस द पुल फोर्स ऑन बेल्ट, डिक्रीजेस द टेंशन ऑफ द बेल्ट, इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन ड्राइविंग पुली, हाई स्ट्रेंथ बेल्ट शैल ओनली बी यूज। हाई स्ट्रेंथ बेल्ट का ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो बेसिकली आपका हाई स्ट्रेंथ बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता हमें, यहाँ पे लो स्ट्रेंथ बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे, ये बेसिकली बेल्ट के टेंशन को घटाता है, स्नप पुली का, याद रखना, ये सब बताया हूं। ये बेसिकली क्या करता है? टेंशन को घटाता है, ना कि टेंशन को बढ़ाता है,
टेंशन को बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ टेकअप पुली को दे दो यार, क्यों हर एक को दे रहे हो? ठीक है, बेल्ट के टेंशन को घटाता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ आइडलर? आइडलर का बेनिफिट, फायदे क्या हैं? करेक्ट शेप प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट देता है, मोशन रेजिस्टेंस को घटाता है, और कीप्स द बेल्ट टाइट, बेल्ट को टाइट रखता है। बताए। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकंड, मुझे गड़बड़ लग रहा है, एक सेकंड बस। हाँ, हो सकता है यार। नापुली किसका था जी? एडलर का था ना, एडलर। अरे, ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन है ये तो। एक द बेल्ट टाइप। ओह ठीक है, नॉट वाला क्वेश्चन है। नॉट लगाना भूल गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये पर्टिकुलरली ये चीज नहीं करता है। ठीक है, आपका आइडलर, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू मैकेनिकल पावर? मैकेनिकल पावर से निम्न में से कौन सी चीज कनेक्टेड रहती है? ड्राइव पुली, हेड पुली, टेल पुली, मेन पुली। इज नॉट होगा यहाँ पे, नॉट होगा, इज नॉट कनेक्टेड टू द मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर से कौन सी चीज कनेक्टेड नहीं रहती है? तो आपका मैकेनिकल पावर से जो है तो कौन सा कनेक्टेड नहीं रहता? टेल पुली कनेक्टेड नहीं रहता। अरे क्या हो गया यार, नॉट लगाना भूल गया, तो बराबर वाली बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू शाफ्ट ऑफ रोटेटिंग मशीनरी? इज नॉट होगा शायद यहाँ पे भी। नॉट वर्ड यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड टू शाफ्ट ऑफ रोटेटिंग मशीनरी? निम्न में से रोटेटिंग मशीनरी के शाफ्ट से कौन सा चीज कनेक्टेड नहीं रहता है? तो देखिए, ड्रिवन पुली हो गया आपका, रिटर्न पुली हो गया, टेल पुली हो गया, ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन हेड पुली आपका दूसरा चीज होता है। ये बेसिकली मैकेनिकल पावर से कनेक्टेड रहता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड टू शाफ्ट ऑफ रोटेटिंग मशीनरी? एक सेकेंड, आपका ये दोनों क्वेश्चन में ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, बस थोड़ा सा देख लूँ मैं, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है, सॉरी यार। ये देखिए,
आपका यहाँ पे ड्राइव पुली, हेड पुली, मेन पुली, ये आपके मैकेनिकल पावर से कनेक्टेड रहते हैं, और आपका ड्रिवन पुली, रिटर्न पुली और टेल पुली, ये आपके रोटेटिंग मशीनरी के शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, अपने क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, हाँ, मैकेनिकल पावर मतलब कि ड्राइव पुली, हेड पुली, मेन पुली, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे टेल पुली मैकेनिकल पावर से कनेक्टेड नहीं रहता, तो ये आपका सही हो गया, ठीक है, यहाँ पे नॉट लगाना था, भूल गया था। और दूसरा है आपका, ठीक है, सही जा रहा है। पर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि बोलता है कि रोटेटिंग मशीनरी के शाफ्ट से कौन सी चीज कनेक्टेड नहीं रहती है, नॉट कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, तो नॉट कनेक्टेड, तो आपका हेड पुली होता है जो कि कनेक्टेड नहीं रहता है, हेड पुली जो है तो बेसिकली कनेक्टेड नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड टू शाफ्ट ऑफ रोटेटिंग मशीनरी, रोटेटिंग मशीनरी के शाफ्ट पे कौन सी चीज कनेक्टेड नहीं रहती, सेम वही क्वेश्चन हो गए, आपका हेड पुली हो गया, ड्रिवन पुली, रिटर्न पुली, हेड पुली, ड्राइव पुली, ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं, इन दोनों को छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं, क्वेश्चन गलत हैं वो दोनों। वॉट इज इनकरेक्ट, वॉट इज इनकरेक्ट, अब निम्न में से कौन सी चीज इनकरेक्ट है, चैनल, स्टूल, आइडलर, कन्वेयर बेल्ट, स्टूल, चैनल, आइडलर, कन्वेयर बेल्ट, स्टूल, आइडलर, चैनल, कन्वेयर बेल्ट, स्टूल, चैनल, कन्वेयर बेल्ट, आइडलर, कौन सी सीरीज करेक्ट। यार इसमें भी गड़बड़ कर दिया मैं, क्या हो रहा है यार, क्या आप बताओ कौन सी चीज करेक्ट है। तो यहां पर आपका सबसे पहले होता है स्टूल, फिर चैनल, फिर आइडलर, फिर कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेयर बेल्ट इज नॉट मेड ऑफ, कन्वेयर बेल्ट निम्न में से किस चीज का नहीं बना होता है, वुवेन कॉटन, टेरिकॉट, रेयॉन, नायलॉन। कन्वेयर बेल्ट इनमें से कौन सी चीज से नहीं बना है। तेरे को भी फूंकना है, बंद कर दूं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू कवर द कन्वेयर बेल्ट, निम्न में से कन्वेयर बेल्ट को कवर करने के लिए निम्न किस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स, रबर, प्लास्टिक, पीवीसी। तो कन्वेयर बेल्ट को ढकने के लिए हम फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, फाइबर ऑप्टिक्स कहाँ से यूज करोगे यार, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स का। हाँ क्या है इस क्वेश्चन में, हाँ तो बना के देखो, 50 क्वेश्चन एक दिन में, तुम लोगों का पढ़ते पढ़ते सर चकरा जाता है, जो कि सही लिखा रहता है, मुझे तो आप क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें कि नॉट इंक्लूड करना,
इसमें कैसे यूज कर सकते हैं हम? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, बेसिकली हम एक लेयर चढ़ाते हैं ना, वो आपको बताया था कि जो कन्वेयर बेल्ट होता है उसके ऊपर एक लेयर कोटिंग होती है, ठीक है, कवर करना। कवर करना बेसिकली हम कोटिंग करते हैं। तो जो कोटिंग किया जाता है वो किस किस चीज का किया जाता है? आपको बताया था कि रबर का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं और पीवीसी का भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में प्लास्टिक का, अगर मैं बोलूं तो प्लास्टिक दिमाग में आना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक देखो, जरूरी नहीं है कि एकदम हार्ड प्लास्टिक ही होता है, जो आपके हाथ में मोबाइल है वैसा ही होगा। प्लास्टिक तो अलग अलग तरीके से भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कन्वेयर बेल्ट को कवर करने के लिए, मतलब उसके ऊपर एक कोटिंग करने के लिए हम जो है तो इस्तेमाल करते हैं रबर का, प्लास्टिक का, पीवीसी का, फाइबर ऑप्टिक्स का नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो कॉल कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ कन्वेयर बेल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कन्वेयर बेल्ट का स्ट्रेंथ किस चीज से इंडिपेंडेंट है? टाइप ऑफ फैब्रिक, नंबर ऑफ प्लाइस, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, रीइंफोर्समेंट। स्ट्रेंथ ऑफ कन्वेयर बेल्ट किस चीज से, कन्वेयर बेल्ट की जो ताकत है, जो क्षमता है, ठीक है, ना टूटने, मजबूती, वो किस चीज से इंडिपेंडेंट है? नहीं समझे? अब मैं इंडिपेंडेंट वर्ड का बार बार यूज कर रहा हूं, मैं बोल दूंगा डायरेक्ट किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कन्वेयर बेल्ट का स्ट्रेंथ, ये पूछना चाह रहा हूं बेसिकली। इंडिपेंडेंट किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बाकी ये तीन चीजें आपको मैं लिखाया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि कहाँ आप इंस्टॉल कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। बाकी डिपेंड करता है किस चीज पे, कन्वेयर बेल्ट की मजबूती किस चीज पे डिपेंड करेगी भाई? किस प्रकार का फैब्रिक यूज किया है, कितने लेयर्स हैं उसमें, क्या इंस्टॉल, और तीसरा है आपका रीइंफोर्समेंट, मतलब उसमें आपने एक्स्ट्रा क्या मजबूती प्रोवाइड कराने के लिए चीजें प्रोवाइड की हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन आप कहाँ इंस्टॉल कर रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करता है। कन्वेयर बेल्ट की मजबूती तो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। विच लेयर ऑफ कन्वेयर बेल्ट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू मॉइस्चर? मॉइस्चर के कारण कन्वेयर बेल्ट का कौन सा लेयर अफेक्टेड होता है? मॉइस्चर के कारण कन्वेयर बेल्ट का कौन सा लेयर अफेक्टेड होता है? कॉटन कारकास, स्किम, टॉप लेयर पीवीसी, बॉटम लेयर पीवीसी। बिल्कुल, कॉटन कारकास जो है तो अफेक्टेड होता है अगर आप सही तरीके से कोटिंग नहीं करते हो, ठीक है। तो मॉइस्चर के कारण यही सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इंक्रीज द बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ प्लाइस ऑफ कन्वेयर बेल्ट? कन्वेयर बेल्ट की जो लेयर्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ाने का काम, या उनके बीच को, उनको आपस में चिपकाने का अच्छे तरीके से काम कौन करता है? स्किम कोटिंग, कॉटन कारकास, पीवीसी कोटिंग, रबर कोटिंग। तो आपका स्किम कोटिंग होता है। स्किम कोटिंग क्या होता है कि आपका कन्वेयर बेल्ट है, अब कन्वेयर बेल्ट में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर्स होती हैं। अब मान लीजिए ये मेरा पीवीसी हो गया, ठीक है, मेरा पीवीसी हो गया, ये मेरा पीवीसी हो गया। उसके बाद ये बीच में मेरा क्या है, ये है कॉटन कारकास, फिर मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, रबर लगा दिया, ठीक है, रबर लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया आपका, सीसी लगा दिया, कॉटन कारकास, और फिर मैंने यहाँ पे आपका क्या लगा दिया, रबर लगा दिया। तो आपका दो चीजों को, ठीक है, रबर लगा दिया। अभी जो रबर है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्किम, ठीक है।
आप ऊपर में भी देखो, पीवीसी की तो सिर्फ एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, पीवीसी की तो एक पतली सी लेयर बस होती है, लेकिन इसमें बेसिकली रहता क्या है, रबड़ ही तो रहता है, रबड़ ही रहता है, और उसके ऊपर पीवीसी की लेयर चढ़ाई जाती है, रबड़ के ऊपर पीवीसी का लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बीच के जो रबड़ से, अभी ऊपर भी रबड़ है, नीचे भी रबड़ है, लेकिन बीच के जो रबड़ से हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्किम कोटिंग कहते हैं। ठीक है, जो बीच का रबड़ है उसको क्या कहा जाता है, स्किम कोटिंग कहा जाता है, स्किम रबड़ भी कहते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए आपको क्या यूज करते हैं, अपन स्किम कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, लवड़। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इंक्रीज द बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ प्लाईज ऑफ कन्वेयर बेल्ट। सेम क्वेश्चन है भी क्या, सेम क्वेश्चन है, हाँ सेम क्वेश्चन हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द प्रॉपर्टीज, 23rd में गड़बड़ है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द प्रॉपर्टीज टू गिव स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू लॉन्गिट्यूडनल टीयरिंग। लॉन्गिट्यूडनल टीयरिंग को कम करने के लिए, कम करने की सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज किस में होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल टीयरिंग को कम करने की प्रॉपर्टीज सबसे अच्छी किसमें होती हैं, कॉटन कारकास, नायलॉन, फास्टनर्स, पीवीसी। तो नायलॉन में सबसे अच्छी है प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो यह भी ध्यान में रखिए कि नायलॉन के मटेरियल का अगर आप कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं तो इनमें एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूडनल टीयरिंग को, या फिर लॉन्गिट्यूडनल टीयरिंग क्या होता है कि आपका कन्वेयर बेल्ट हो गया, इसको दोनों डायरेक्शन से अगर आप खींचते हो तो ये क्या होते हैं, जब आप खींचोगे तो ये जल्दी से टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, बीच से यहां से टूटेगा नहीं, इसको बोलते हैं आपका क्या, लॉन्गिट्यूडनल टीयरिंग को रेजिस्ट करना, टूटे ना, ठीक है। तो नायलॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, प्लाई विनाइल क्लोराइड, क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोरीन, नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू पीवीसी, पीवीसी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है तो पीवीसी से रिलेटेड नहीं है। पीवीसी फायर प्रूफ होता है, इसका अंडरग्राउंड माइंस में यूज हो, कोल माइंस में यूज करना चाहिए, यह फ्रिक्शन को बढ़ाता है और इसका इस्तेमाल स्टीप ग्रेडियंट्स में किया जा सकता है, इसका रेजिस्टेंट ग्रीस और ऑयल के लिए बहुत ज्यादा हाई होता है, ये जल्दी से आग नहीं मतलब सॉरी, ग्रीस और ऑयल का इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जम नहीं पाते, तो इसका इस्तेमाल स्टीप ग्रेडियंट में हम नहीं कर सकते हैं, तो ये पीवीसी से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, और फ्रिक्शन को भी ये बढ़ाता नहीं है, बेसिकली घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट इन केस ऑफ पीवीसी कोटिंग, पीवीसी कोटिंग के केस में कन्वेयर बेल्ट का मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होता है। भाई ज्यादा ग्रेडियंट रख ही नहीं सकते हैं, तो 16 डिग्री, 17 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मैक्सिमम ग्रेडियंट आप 16 डिग्री रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट विदाउट ब्रेक इन केस ऑफ रबर कोटिंग, रबर कोटिंग के केस में कन्वेयर बेल्ट अगर आप यूज कर रहे हो बिना ब्रेक के, तो उस केस में मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होगा, 1 in 5, 1 in 3, 1 in 7, 1 in 10। रबर कोटिंग वाला कन्वेयर बेल्ट यूज कर रहे हो और बिना ब्रेक के यूज कर रहे हो, तो मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होगा, तो आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट आप कितना रख सकते हो, 1 in 5 का आप ग्रेडियंट रख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट विथ ब्रेक इन केस ऑफ रबर कोटिंग, अगर रबर वो कोटिंग वाला कन्वेयर बेल्ट आप यूज कर रहे हो और ब्रेक के साथ यूज कर रहे हो, तो उस केस में मैक्सिमम ग्रेडियंट आप कितना रख सकते हो, 1 in 5, 1 in 3, 1 in 7, 1 in 10। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू ज्वाइन द बेल्ट,
बेल्ट को ज्वाइन करने के लिए निम्न में से किस चीज का उपयोग नहीं किया जाता है? दो बेल्ट्स को ज्वाइन करने के लिए निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? हिंज प्लेट ज्वाइंट्स, वायर हुक ज्वाइंट्स, हिंज्ड वायर ज्वाइंट्स, मेटल फास्टनर। तीन ही बताया हूं मैं। तो हिंज्ड वायर ज्वाइंट्स जैसा कुछ बताया नहीं हो तो इसको ध्यान में रखना है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ज्वाइनिंग द पीवीसी बेल्ट्स? पीवीसी बेल्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आपका ज्वाइन पीवीसी बेल्ट्स को ज्वाइन करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? हिंज्ड प्लेट ज्वाइंट्स का, वायर हुक ज्वाइंट्स का, हिंज्ड वायर ज्वाइंट्स का, या फिर मेटल फास्टनर्स का? पीवीसी के लिए अलग से बोला है कि किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पर आप मेटल फास्टनर्स का इस्तेमाल करते हो पीवीसी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड रुदित। रियाज, व्हाट इज द बेल्ट विड्थ ऑफ फेस कन्वेयर इन अंडरग्राउंड कोल माइंस? अंडरग्राउंड कोल माइंस में फेस कन्वेयर की बेल्ट की विड्थ कितनी होती है? 0.2, 0.6, 0.5, 1.2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 0.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द बेल्ट विड्थ ऑफ फेस कन्वेयर इन अंडरग्राउंड कोल माइंस? अंडरग्राउंड कोल माइंस में फेस कन्वेयर की क्या हुआ ये? फेस कन्वेयर, यहाँ पे कौन सा कन्वेयर आएगा जी? कौन सा कन्वेयर आएगा? सकता ही था। एक सेकेंड, ना एफसी नहीं, ट्रंक। हाँ ठीक। ट्रंक कन्वेयर। ट्रंक कन्वेयर में मैक्सिमम बेल्ट विड्थ कितनी होती है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 33 का ए, 1 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 मीटर होती है ट्रंक कन्वेयर की विड्थ। नेक्स्ट है, सरफेस इंस्टॉलेशंस में बेल्ट विड्थ कितनी होती है? सरफेस इंस्टॉलेशंस में बेल्ट की विड्थ कितनी होती है? 0.2 मीटर, 0.6 मीटर, 0.5 मीटर, या फिर 1.2 मीटर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द मैक्सिमम बेल्ट विड्थ? मैक्सिमम कितना बेल्ट की विड्थ रख सकते हो? 1 मीटर, 0.6 मीटर, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर? बेल्ट की मैक्सिमम विड्थ कितनी रख सकते हो? तो बेल्ट की मैक्सिमम विड्थ कितनी रख सकते हो? 1.5 मीटर रख सकते हो। ठीक है, सरफेस कौन सा? हाँ, किसी भी इंस्टॉलेशन में, अब वो डिपेंड करता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लंप साइज कैरीड बाय बेल्ट कन्वेयर? बेल्ट कन्वेयर के द्वारा मैक्सिमम कितना बड़ा लंप, कितने साइज का लंप जो है तो कैरी किया जा सकता है? बेल्ट विड्थ का आधा, बेल्ट विड्थ का एक तिहाई, बेल्ट विड्थ का एक चौथाई, या फिर बेल्ट विड्थ के बराबर? तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम आधा यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1/2, हाफ की जगह 1/2 लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपका कन्वेयर की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड एंड बेल्ट की विड्थ है 1.5 मीटर और बल्क डेंसिटी है मटेरियल का 2 टन पर क्यूबिक मीटर, तो उस केस में कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करिए बेल्ट का, बेल्ट की कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करिए। कितनी होगी बेल्ट की कैरिंग कैपेसिटी? फटाक से बताइए। तो यहां पर आपका क्या क्या है भाई साहब? फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू वी। ठीक है, अब आपका
60 दिया हुआ है इनटू, है ना, मतलब 60 क्या है आपका, वेलोसिटी हो गया स्पीड, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1.5 का स्क्वायर बटे 11 इंटू 2 इंटू 60, करो इसको सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 2.25 डिवाइडेड बाय 11, 0.20 45, है ना, 0.20 ले लो इंटू 2 इंटू 60, 0.2 इंटू 2 इंटू 60, 24 के आसपास आएगी आपकी अप्रॉक्स, ठीक है, 24 के आसपास आपकी आएगी वैल्यू, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है, इतना भी जिसका आ रहा है 20.54 उसका भी करेक्ट है। टन क्या यूनिट है इसकी, टन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कैलकुलेट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.2 मीटर स्क्वायर एंड बेल्ट विड्थ इज 1.2 मीटर एंड स्पीड नहीं लिखा, स्पीड यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड कर लीजिए, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड कर लीजिएगा। बल्क डेंसिटी आपका 4 टन पर क्यूबिक मीटर, तो टी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू वी। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1.2 एंड आपका स्पीड आपको दिया हुआ है, मैंने अभी दिया जो 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 4, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इंटू 1.2 इंटू 4 इंटू 30, 144 टन पर सेकेंड, कहाँ से 5504, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड केयर द बेल्ट फ्रॉम, बेल्ट को हमें किस चीज से बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, कीप अवे फ्रॉम स्टीम पाइप्स और हीट, अवॉइड टू मेनी बेंडिंग, ऑल ऑफ द अबाउ। सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, स्टीम पाइप्स और हीट से दूर रखना है, बेंडिंग नहीं होने चाहिए ज्यादा, या फिर इनमें से सभी, तो ऑल ऑफ द अबाउ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन टू आइडलर्स, दो आइडलर्स के बीच का कितना इंटरवल होना चाहिए, 1.5 मीटर टू 3 मीटर, 1.5 मीटर टू 2 मीटर, 2 मीटर टू 3 मीटर, या फिर 5 टू 10 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि दो आइडलर्स के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर से 2 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इंक्लिनेशन ऑफ आइडलर शैल बी बिटवीन, आइडलर्स का इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 50 डिग्री, 50 डिग्री से 70 डिग्री, 70 डिग्री से 90 डिग्री, तो आइडलर्स का इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इंक्लिनेशन ऑफ कॉटन कारकास बेल्ट शैल नॉट बी मोर देन, कॉटन कारकास बेल्ट का इंक्लिनेशन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 90 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, द एंगल ऑफ मटेरियल विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन मटेरियल इज इन मोशन इज नोन एज, जब मटेरियल आपका मोशन होता है तो मटेरियल का जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सरचार्ज, रिपोज, रेस्पॉन्स, फेलियर,
कौन सा एंगल है वो जब मटेरियल मोशन में होता है? तो मोशन वाले मटेरियल में हम सरचार्ज एंगल लेते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर मटेरियल आपका स्टेशनरी है, तो अगर आपका एंगल जो मटेरियल एंगल ऑफ मटेरियल है हॉरिजॉन्टल के साथ स्टेशनरी मटेरियल के लिए है, तो उस केस में कौन सा एंगल लेंगे? एंगल ऑफ रिपोज लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एंगल ऑफ सरचार्ज इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ। एंगल ऑफ सरचार्ज किस चीज का डायरेक्ट मेजर करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, पोटेंशियल फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंगुलर फ्रिक्शन। तो चलते हुए मोशन वाली चीजों का मेजर करता है, एंगल बताता है, तो जाहिर सी बात है मोशन में आता है तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को डायरेक्टली मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एंगल ऑफ रिपोज इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, पोटेंशियल फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंगुलर फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज किस चीज का डायरेक्ट मेजर है? एंगल ऑफ रिपोज किस चीज का डायरेक्ट मेजर है? तो स्टैटिक, पोटेंशियल, काइनेटिक, एंगुलर। तो आपका ये क्या हो जाता है इसका करेक्ट आंसर? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आइडलर्स आर फिल्ड विथ डैश फॉर लाइफ टाइम। पूरी जिंदगी के लिए आइडलर्स को किस चीज से फिल्ड किया जाता है? टाइटन तो ऐसे ही लिख दिया था, ग्रीस, ऑयल, वाटर। तो ग्रीस से फिल किया जाता है पूरी जिंदगी के लिए उसको, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। द डायरेक्शन ऑफ एक्सल्स ऑफ द आइडलर्स, द डिलीवरी एंड ड्रम एंड द टेल एंड ड्रम शुड बी डैश टू द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट ट्रैवल। भाई आपका बेल्ट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन के से आपका आइडलर हो गया, डिलीवरी एंड ड्रम हो गया और टेल एंड ड्रम हो गया, इन तीनों का डायरेक्शन कितना होना चाहिए? राइट एंगल पे होना चाहिए, परपेंडिकुलर पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, या सभी है सही, किसी पे भी रख लो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस कंट्रोल। निम्न में से सीक्वेंस कंट्रोल का अरेंजमेंट कौन सा नहीं है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल, पावर सीक्वेंस कंट्रोल, मैकेनिकल सीक्वेंस कंट्रोल, पायलट सीक्वेंस कंट्रोल। तो यहां पर मैकेनिकल सीक्वेंस कंट्रोल जो है, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट इन केस ऑफ पावर कट ऑफ। पावर कट ऑफ के केस में कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज किया जाता है ताकि कन्वेयर बेल्ट के बैकवर्ड मूवमेंट को रोका जा सके? होल्ड बैक, बेल्ट स्वे स्विच, पुल कोड स्विच, जीरो स्पीड स्विच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट द डेविएशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट? होल्ड बैक्स, बेल्ट स्वे स्विच, पुल कोड स्विच, जीरो स्पीड स्विच। कन्वेयर बेल्ट को डेविएशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेल्ट स्वे स्विच, BSS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू स्टॉप द कन्वेयर बेल्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी? इमरजेंसी के केस में कन्वेयर बेल्ट को पूरे तरह से बंद करने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज होता है? होल्ड बैक, बेल्ट स्वे स्विच, पुल कोड स्विच, जीरो स्पीड स्विच। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू गिव वार्निंग इफ कन्वेयर बेल्ट इज लूज? अगर कन्वेयर बेल्ट लूज है तो उस केस में वार्निंग देने का काम कौन सा सेफ्टी डिवाइस करता है? होल्ड बैक, बेल्ट स्वे, पुल कोड, जीरो स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जीरो स्पीड स्विच जो है तो काम करता है। वट इज यूज टू कनेक्ट द पैंस ऑफ AFC? AFC के पैंस को कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डॉग बोन, नट एंड बोल्ट, स्क्रू, ऑल ऑफ द अबव।
डॉग बोन कनेक्टर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, विच कन्वेयर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पाइथन कन्वेयर। कौन सा कन्वेयर सिस्टम पाइथन कन्वेयर के नाम से भी जाना जाता है? केबल कन्वेयर, डिस्क कन्वेयर, एएफसी, स्क्रैपर चेन कन्वेयर। तो एएफसी को पाइथन कन्वेयर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एएफसी को ही जाना जाता है ना। इन विच कन्वेयर सिस्टम रोप इज यूज, किस कन्वेयर सिस्टम में रोप का इस्तेमाल किया जाता है? केबल कन्वेयर, डिस्क कन्वेयर, एएफसी, स्क्रैपर चेन कन्वेयर। अरे मैं बताता तो बहुत हूँ, इतना याद थोड़ी रहता है यार, इतना सारा चलता रहता है दिमाग में। केबल कन्वेयर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास जो मैंने बनाए, इनका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। थोड़ी सी अब ये जो गलतियां हुई हैं इनको सुधार के, ठीक है, इन सभी गलतियों को सुधार के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मुझे कल तक का टाइम दें, ठीक है। कल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अरे पूरा दिन लाइट नहीं थी ना यार, और इस चक्कर में क्वेश्चंस में गड़बड़ी में इसी कारण हुई, गर्मी भी, लाइट भी नहीं, बड़ा दिक्कत हुआ था, ठीक है। और मैं एक मॉक टेस्ट आपको दूंगा, ठीक है, एक मॉक टेस्ट आपको दूंगा। मैं पहले ही बता दूं, एक ही रहेगा मेरी तरफ से मॉक टेस्ट, और उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, पहली बात। और वो मॉक टेस्ट आपको पढ़ते समय हो सकता है ऐसा लगे कि क्वेश्चन गलत है, आंसर्स गलत है, ऐसा आपको फील हो सकता है। बाद में मैं डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है, बिल्कुल एसईसीएल के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तगड़ा बने क्वेश्चंस उसके, बहुत तगड़े बने, जहां से आप सोच भी नहीं सकते। तो पैनिक नहीं होइएगा, और हिंट दे देता हूं, रेगुलेशन अच्छे से पढ़ के आना, एक एक टॉपिक से। आपके जितने भी टॉपिक हैं एसईसीएल में, उन सभी टॉपिक से मैंने आपका तीन तीन चार चार क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। सब सब टॉपिक पे जो मेन मेन तीन तीन चार चार क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाए, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और पुराने क्वेश्चन एक भी नहीं रहेंगे, कोशिश करूंगा उसमें, और नहीं रहेंगे, खुद ही बना रहा हूँ बैठ के। तो और एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होने दो। हाँ मुझे टाइम दीजिए, कल मैं इसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं, कल क्या है, 31 तारीख है, 1 तारीख को गारंटीड है कि मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, 1 तारीख को। और उसका डिस्कशन भी करेंगे, तगड़ा डिस्कशन करेंगे, और फिर आपका कोई भी चीज छूटेगा नहीं, कोई भी चीज नहीं छूटेगा उसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ एक चीज़ और यार, ये YouTube पे अपलोड करना ना करना, देखो यार मैं क्लियर आज बता देता हूँ, ये कोचिंग का मैटर है। ये वो जो एक सागर ने एक डायलॉग बोला था ना, NOYB, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मेरा, हमारा पर्सनल मैटर है, ठीक। अब NOYB समझ जाइए क्या है। क्यों सागर, क्या है NOYB?
नहीं, मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, आप अकेले नहीं हो यार, दिल पे मत लो यार बात को। देखो ये बहुत दिन से मेरे सामने आ रहा है। देखो कोई मांगता है टेलीग्राम पे मांगता है, कोई मांगते हैं कि सर हमें पर्सनली शेयर कर दीजिए। मैं करता हूँ, बहुत बार किया हूँ, मदद किया हूँ सबकी। तो जब आप पर्सनली खुद के लिए हेल्प मांग रहे हो, ठीक है, तो यार देखो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करती है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आपका काम है सिर्फ आप आए हो, आप पढ़ो, ठीक है, पहली चीज। अब आप लोग ये बोलते हो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सामने वाले को मिल रहा है। आपको जो मिलता है यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें मिलती है, वहां पे जो जाती है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा यूट्यूब बस से देख देख के पूरा क्रैक कर ले एग्जाम, उसको ऑर्गेनाइज नहीं मिलता, उसको डेली क्लासेस नहीं मिलती, कुछ क्लासेस ही उसके पास जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन तो ऑलरेडी है यार मार्केट में, आप कहां पे स्टैंड करते हो, ठीक है, ये मैटर करता है, ठीक। तो टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।